सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि शाला सिद्धि का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इस बार हम जानते हैं कि डोमेन फर्स्ट को कैसे भरें और इसका आधार क्या है। डोमेन फर्स्ट में कुल 12 बिंदु दिए गए हैं जो आपके सामने इस प्रकार हैं। जो पहला है स्कूल प्रेमाइसाइज, ये होता है स्कूल का परिसर। दूसरा है प्लेग्राउंड, स्पोर्ट इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। और तीसरा है क्लासरूम, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर, रैंप, मिड डे मील, ड्रिंकिंग वाटर और हैंड वॉश फैसिलिटी और टॉयलेट। इस प्रकार कुल 12 बिंदु दिए गए हैं और हमारे विद्यालय परिसर को कुल दो भागों में बांटा गया है। इसमें हमें बताना है अवेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, यानी उपलब्धता और उपयुक्तता बतानी है, और दूसरे में बताना है क्वालिटी एंड यूजबिलिटी, यानी कि गुणवत्ता और उपयोग। इसके आधार पे तीन भाग बताए गए हैं, लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेवल फर्स्ट में जो सबसे लो कैटेगरी है प्रत्येक ऑप्शन की वो बतानी है, लेवल टू में मीडियम और लेवल थ्री में हाई। लेकिन हमें जानना है कि इन लेवल थ्री जो है उसमें हाई है तो किस प्रकार कैटेगरी रहती है, लेवल टू में किस आधार पर लेवल टू माना गया है और लेवल वन को किस आधार पर मापा गया है, ये तीनों ही हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये सारी डिटेल हिंदी में बता देता हूँ और आप उसको बिंदुवार यहाँ फिलअप कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अनुसार। जो चलते हैं हिंदी डिटेल में, और उसके बाद जब ये 12 पॉइंट पूरे हो जाएं तो सबमिट कर दीजिएगा, ये डोमेन आपका फर्स्ट पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं इसकी हिंदी डिटेल में। जो पहला बिंदु है स्कूल प्रेमेसाइज, यानी कि विद्यालय परिसर, उनके लिए दो लेवल जो हैं वो हमें कैसे भरने हैं ये देखिए। विद्यालय परिसर में जो लिस्ट पहली दे रखी है उसके अनुसार स्तर वन में वो विद्यालय आते हैं जिनमें खुली जगह अपर्याप्त हैं, यानी विद्यालय सेवा के लिए सीमित स्थान है, कच्चा अर्धकच्चा भवन या तंबू जैसा निर्माण है, बाउंड्री वॉल फेसिंग नहीं है या उनमें बीच बीच में गैप है, विद्यालय परिसर में उद्यान या पेड़ नहीं है, ऐसे विद्यालय स्तर वन भरें अपने। और दूसरा स्तर जो है वो विद्यालय आएंगे इसमें, विद्यालय सेवा के लिए खुला और निर्मित क्षेत्र उपलब्ध तो है लेकिन सभी विद्यार्थियों को आराम से बैठने के लिए जगह नहीं है, और परिसर में छोटा सा उद्यान या थोड़े से पेड़ हैं। और जो स्तर तीन है उनमें वो विद्यालय आएंगे जो चलने फिरने और विद्यालय सभा के लिए पर्याप्त खुला स्थान है, बाउंड्री वॉल है और पेड़ पौधे हैं, रख रखाव है, यानी कि स्तर तीन। यानी कि अगर ये कैटेगरी में आते हैं वो विद्यालय स्तर तीन भरें। और जो दूसरी तरफ दे रखा है गुणवत्ता और उपयोगिता, उनमें नंबर वन खुली जगह का उपयोग केवल विद्यालय सेवा के लिए ही होता है, मैदान समतल नहीं है, वो स्तर वन भरें। और प्रेशर गंदा है, उचित रख रखाव नहीं है, फर्श दीवार छत खिड़कियां दरवाजा की मरम्मत आवश्यक है, वो स्तर वन ही भरें। गुणवत्ता और उपयोगिता में स्तर दो में वो विद्यालय आएंगे जिनमें विद्यालय सभा के लिए जगह, हॉल उपयोग, शारीरिक व्यायाम समारोह तथा विद्यालय के अन्य कार्यक्रम में होता है, मैदान समतल है, फर्श दीवार छत खिड़कियां छोटी मोटी मरम्मत अक्सर की जाती है, वो दो भर दें। और विद्यालय तीन में खुली जगह और भवन स्वच्छ हैं, रख रखाव उत्तम है, उपयुक्त है और समय पर मरम्मत की जाती है, वो विद्यालय तीन स्तर भर दें, इस प्रकार भरें। दूसरा पॉइंट है प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि उपकरण, जिसमें पहला है स्तर वन में वो विद्यालय आएंगे जहाँ खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है और न ही खेल सामग्री है। दूसरे स्तर में वो आएंगे खेल का मैदान जिनका है लेकिन छोटा है और कुछ एक खेल ही पर्याप्त मात्रा में खेले जाते हैं और उपलब्ध सामग्री है। तीसरे में विद्यालय परिसर में ही ठीक आकार का खेल का मैदान है और उपकरण सामग्री उपलब्ध है। दूसरी तरफ गुणवत्ता और उपयोगिता, जहाँ पहला स्तर है उसमें वो विद्यालय आएंगे जहाँ पर बच्चे वही खेल खेलते हैं जिनके लिए खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं है। स्तर दो में विद्यालय उपलब्ध खेल के मैदान का उपयोग कुछ ही खेलों में कर पाते हैं। और जो तीसरा है उसमें सर्वश्रेष्ठ, यानी कि खेल का मैदान भी उपलब्ध है और खेल की सामग्री भी, और बच्चे इसका भरपूर आनंद भी लेते हैं और उपयोग किया जा रहा है। तो तीसरा बिंदु है क्लासरूम का, इसमें है स्तर वन में वो विद्यालय आते हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा कक्ष छोटे हैं और बैठने की सुविधा नहीं है और शिक्षकों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर दो जो दूसरा स्तर है उसमें वो विद्यालय आते हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप कक्षा कक्ष छोटे हैं, विद्यालय प्रमुख के लिए पृथक और अध्यापकों के लिए सामूहिक कक्ष उपलब्ध हैं और फर्नीचर आवश्यकता के अनुरूप हैं। और स्तर तीन में वो विद्यालय आते हैं जहां विद्यार्थियों के लिए भी
कक्ष पर्याप्त हैं, शिक्षक प्रमुखों और शिक्षकों के लिए पर्याप्त फर्नीचर है, बैठने की सुविधाएं हैं। और दूसरी तरफ गुणवत्ता और उपयोगिता में स्तर वन, स्तर दो, स्तर तीन, इनमें देखते हैं क्या है। स्तर वन में वो विद्यालय आते हैं जहाँ कक्षा कक्ष में खिड़की से आने वाली हवा और रोशनी की कमी है और पर्याप्त बैठने के साधन फर्नीचर नहीं है या है तो उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। नंबर दो में दूसरा स्तर जो है, अधिकांश कक्षा कक्ष में हवा रोशनी उपयुक्त है, पंखे लगे हैं, दीवारों पर चार्ट नक्शे प्रदर्शित हैं, फर्नीचर आरामदायक हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। और तीसरे स्तर में वो विद्यालय आते हैं, सभी कक्षा कक्षों में हवा पानी रोशनी अच्छी है, अन्य सभी सुख सुविधाएँ हैं जो भरपूर हैं और विद्यालयों में बच्चों के लिए भी पर्याप्त फर्नीचर आवश्यकता के अनुरूप है। यानी कि स्तर तीन जो है सभी पॉइंट्स में वही आएगा जो सभी पर्याप्त साधन भरपूर मात्रा में हो और उनका भरपूर उपयोग भी हो रहा हो। चौथा बिंदु है विद्युत और उपकरण। स्तर एक में वो विद्यालय आते हैं जिनमें बिजली की व्यवस्था नहीं है, बैटरी द्वारा संचालित उपकरण रेडियो आदि उपलब्ध हो। और स्तर दो में वो विद्यालय आते हैं जिनमें बिजली अनियमित हो और बिजली जाने या कटौती के समय कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो और लाइट के लिए लाइट के पंखे, टेलीविज़न, रेडियो आदि उपकरण उपलब्ध हों। और स्तर तीन यानी कि हाई लेवल में वो विद्यालय आते हैं जिनमें बिजली जाने पर जनरेटर या इन्वर्टर सुविधा हो और विद्यालय में लाउड स्पीकर जैसे उपकरण हो। अब दूसरा जो है उसमें स्तर वन, विशिष्ट अवसरों पर विद्यालय द्वारा जनरेटर या बैटरी किराए पर ले जाती हो। और स्तर दो में बिजली के तार अथवा स्विच अच्छी अवस्था में हो और बिजली के उपकरण पंखे आदि समय समय पर देखभाल की जाती हो। और स्तर तीन में जो हाई लेवल है विद्यालय उनमें आएगा, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने को रोकने के लिए MCB लगी हो, सभी बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समय समय पर देखभाल और मुरम्मत किए जाते हों। तो ये रहा विद्युत और उपकरण का जो टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकालय। पुस्तकालय में स्तर एक में वो विद्यालय आते हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पुस्तकों की संख्या कम है या अपर्याप्त है। और स्तर दो में पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं की संख्या पर्याप्त है तथा उन्हें नियमित रूप से लिया जाता है। पुस्तकालय कक्ष और वाचनालय उपलब्ध हैं। ई पुस्तकें और डिजिटल सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिन विद्यालयों में ई पुस्तकें और डिजिटल सामग्री उपलब्ध नहीं है वो स्तर दो को चुने और विद्यालयों के अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पुस्तकों की संख्या कम है वो स्तर एक, और जिनमें पुस्तकों का संकलन पर्याप्त है, ई पुस्तकें और डिजिटल सामग्री उपलब्ध हैं वो स्तर तीन चुने। गुणवत्ता और उपयोगिता के आधार पर पुस्तकें ठीक तरह से वर्गीकृत नहीं है वो स्तर एक चुने, और जिन विद्यालयों में पुस्तकें ठीक तरह से व्यवस्थित हैं, पुस्तकालय के लिए अलग से कलाश है और नई पुस्तकों को खरीदा जाता है वो स्तर दो चुने। और स्तर तीन में जिनमें रखरखाव भी सही है, ई पुस्तकें भी हो, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो, वो स्तर तीन को चुने। नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी। अब इसमें उपलब्धता और पर्याप्तता के आधार पर तीन भागों का जो स्तर है वो स्तर एक देखें, अलग से प्रयोगशाला नहीं है पर विद्यालय में कुछ स्थान उपकरणों और प्रयोगशाला की सामग्री के लिए निर्धारित हैं वो स्तर एक चुने। स्तर दो में वो विद्यालय आते हैं जहाँ प्रदर्शन हेतु कुछ आधारभूत उपकरण उपलब्ध हों, विज्ञान और गणित के लिए संयुक्त प्रयोगशाला की व्यवस्था हो। और स्तर तीन में वो विद्यालय आएंगे जिसमें सभी आवश्यक प्रयोगशालाएँ हो और प्रयोगशाला में नल से आने वाले पानी और बिजली की सुविधा भी उपलब्ध हो। और दूसरा है गुणवत्ता और उपयोगिता के आधार पर स्तर एक में वो विद्यालय आएंगे जहाँ अध्यापक कुछ प्रयोगों को प्रदर्शन करता हो और शायद ही प्रयोग करने का अवसर मिलता हो, विद्यार्थियों को जहाँ बहुत कम अवसर मिलते हैं प्रयोग के। स्तर दो में उन विद्यालयों को लिया जाएगा जहाँ अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार को निश्चित प्रयोग करता हो और बच्चों को शायद ही प्रयोग करने का अवसर मिलता हो। स्तर तीन में प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित प्रयोग करने का अवसर मिलता हो, अध्यापक के साथ साथ जहाँ बच्चे भी प्रयोग करते हों उनको स्तर तीन में हम चुनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर के आधार पर
जो स्तर वन है उनमें वो विद्यालय आएंगे जहाँ पर कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है और डिजिटल सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। स्तर दो में वो विद्यालय आते हैं जहाँ विद्यालय में अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए कुछ कंप्यूटर उपलब्ध हों और कुछ डिजिटल सामग्री भी उपलब्ध हों, इंटरनेट सुविधा नहीं हो। नंबर तीन, स्तर तीन में वो विद्यालय आते हैं जहाँ कंप्यूटर उपलब्ध हो, डिजिटल सामग्री भी और इंटरनेट की भी सुविधा हो। गुणवत्ता और उपयोगिता के आधार पर स्तर एक में वो विद्यालय आएंगे जहाँ अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर के उपयोग का कोई अवसर नहीं हो। स्तर दो में वो विद्यालय आते हैं जहाँ अध्यापक विभिन्न कक्षाओं के लिए शिक्षण में कंप्यूटर डिजिटल सामग्री का उचित प्रयोग करता हो, लेकिन विद्यार्थियों को उपयोग कभी कभी कंप्यूटर चलाने का मौका दिया जाता हो। और स्तर तीन में वो विद्यालय आते हैं जहाँ अध्यापक द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता हो और टेक्निक से पढ़ाया जाता हो और विद्यार्थियों को भी उपयोग का अवसर मिलता हो। आठवां बिंदु है रैंप। उपलब्धता और प्राप्यता के आधार पर स्तर एक में विद्यालय वो आते हैं जहाँ रैंप नहीं है। दो नंबर में विद्यालय में रैंप है किंतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं है, यानी कि सुव्यवस्थित रैंप नहीं है। और तीन नंबर में वो विद्यालय आएंगे फिसलन सहित धरातल पर रैंप बने हैं जिस पर चढ़ने में सहायता के लिए रेलिंग लगी है। रैंप की ढलान और ऊंचाई निर्धारित मापदंडों के अनुसार है। गुणवत्ता और उपयोगिता के आधार पर भी तीन भाग हैं। पहला है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए रैंप की सुविधा नहीं है। दो में वो आएंगे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए रैंप का उपयोग करते समय किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और तीन में रैंप इस प्रकार है विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों बिना सहायता के भी उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। नौवां टॉपिक है मिड डे मील, किचन एंड अटेंसिल्स, जिसमें उपलब्धता और पर्याप्तता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। स्तर एक में वो विद्यालय आएंगे जहाँ भोजन पकाने के लिए कोई किचन या शेड कक्ष नहीं है, और कोई किचन है तो अस्थायी है, बर्तन अपर्याप्त हैं, विद्यार्थियों के लिए भोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। और स्तर दो में वो विद्यालय आते हैं भोजन पकाने हेतु किचन शेड है या अलग कक्ष है किंतु उसमें जगह अपर्याप्त है, और भोजन करने का कोई स्थान निश्चित तो है किंतु अपर्याप्त है। स्तर तीन में वो विद्यालय आते हैं भोजन पकाने और बर्तन रखने हेतु किचन शेड या कक्ष पर्याप्त है, विद्यार्थियों के लिए भोजन का स्थान भी पर्याप्त है। अब जो गुणवत्ता और उपयोगिता है उसके आधार पर जो स्तर एक है उसमें खाना बनाते या रखते समय बर्तनों को ढकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, विद्यार्थियों के भोजन करने का स्थान साफ सुथरा नहीं। दूसरा है भोजन पकाने या संग्रहण करने वाले बर्तन साफ हैं तथा खाना बनाने या बर्तन ढके खाना बनाते समय बर्तन ढके रहते हैं, विद्यार्थियों के भोजन करने का स्थान स्वच्छ है। स्तर तीन में वो विद्यालय आएंगे जहाँ रसोई और बर्तनों को प्रत्येक उपयोग के बाद साफ किया जाता है। जो व्यक्ति खाना बनाता है वह निजी स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास करता है, विद्यार्थियों के लिए भोजन करने के स्थान की उचित व्यवस्था है। तो इसे कक्ष स्तर आप तीन में रखें, इस प्रकार तीनों स्तर पूरे कर लेवें। नेक्स्ट बिंदु है ड्रिंकिंग वाटर। इसमें स्तर एक में वो विद्यालय आते हैं जहाँ पेयजल की तो सुविधा है किंतु जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। स्तर दो में पेयजल की आपूर्ति पर्याप्त है, नियमित है, भूमिगत जल है, उसे स्वच्छ रखने की व्यवस्था है। स्तर तीन में वो विद्यालय आते हैं जहाँ पानी की आपूर्ति पर्याप्त है, आवश्यकता होने पर जल संग्रह के स्थान की मरम्मत भी करवाई जाती है, साफ सफाई की व्यवस्था पूरी हो। नेक्स्ट है गुणवत्ता और उपयोगिता। इसमें स्तर एक में वो विद्यालय हैं जहाँ पेयजल की आपूर्ति जहाँ से होती है उसका बिना गुणवत्ता जांचे पानी उपयोग में लाया जाता है। स्तर दो पेयजल आवश्यकता अनुसार स्वच्छ किया जाता है, पेयजल संग्रहण के लिए नियमित साफ सफाई की व्यवस्था है। स्तर तीन में विद्यालय में शोधित पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध होता है, पेयजल के स्थान के आसपास नियमित साफ सफाई की जाती है, यानी कि जहाँ पानी की गुणवत्ता भी जांच जाती है और रख रखाव भी सही है वहाँ स्तर तीन, और जहाँ लो है वहाँ स्तर एक। इस प्रकार तीनों कैटेगरी में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हैंड वॉश फैसिलिटीज, यानी हाथ धोने की सुविधाएं। उपलब्धता और पर्याप्तता के आधार पर जो सुविधाएं हैं विद्यालय में उनके आधार पर स्तर एक में जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, हाथ धोने के लिए पर्याप्त संख्या में नल और नियत स्थान आदि नहीं है।
साबुन की व्यवस्था भी नहीं है। उन विद्यालयों को स्तर एक में रखें। स्तर दो में वो विद्यालय आएंगे जहाँ जल पर्याप्त है किंतु हाथ धोने के लिए पर्याप्त स्थान या नल आदि नहीं है, साबुन की आपूर्ति अपर्याप्त है। स्तर तीन में जल व्यवस्था पर्याप्त और नियमित है, हाथ धोने के लिए पर्याप्त स्थान है, साबुन की आपूर्ति नियमित और पर्याप्त है। अब है गुणवत्ता और उपयोगिता के आधार पर। जल के बर्तन और हाथ धोने की स्थान की सफाई है, रख रखाव बहुत कम होता है। अध्यापक विद्यार्थियों को हाथ धोने का महत्व नहीं या बहुत कम बताते हैं। स्तर दो में वो विद्यालय आते हैं जहाँ जल के बर्तन और हाथ धोने के स्थान की नियमित साफ सफाई होती है। विद्यार्थियों की सभा में अध्यापक उन्हें हाथ धोने का महत्व बताते हैं। और स्तर तीन में वो विद्यालय आएंगे जहाँ हाथ धोने के स्थान की प्रतिदिन सफाई होती है और टीचर द्वारा नारे, गीत, नाटक, पोस्टर आदि द्वारा हाथ धोने के बहुत सारे आयाम बताए जाते हैं और उन्हें प्रतिदिन इनके लिए प्रेरित किया जाता है। 12वां टॉपिक है इसका टॉयलेट्स। इसके आधार पर स्तर एक में वो विद्यालय आते हैं जहाँ शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बालक और बालिकाओं और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग से कोई शौचालय नहीं है। स्तर दो में बालक और बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय हैं। मानकों के अनुसार शौचालय में सीट तथा मूत्रालय की संख्या अपर्याप्त है। स्तर तीन में बालक बालिकाओं के लिए अलग से सुविधाएं हैं और विशेष बालकों और बच्चों के लिए भी शौचालय अलग से उपलब्ध हैं। स्तर एक ऐसे विद्यालय आते हैं जो शौचालय जीर्ण अवस्था में है, फ्लश की सुविधा नहीं है, पर्याप्त पानी नहीं है। और स्तर दो में उपयोग करने योग्य शौचालय हैं, उनकी दिन में कम से कम एक बार सफाई की जाती है और शौचालय का रख रखाव भी कभी कभार किया जाता है। और स्तर तीन में ऐसे विद्यालय आते हैं जहाँ शौचालय अच्छी अवस्था में है, मरम्मत की जाती है और पर्याप्त शौचालय हैं। विशेष बालकों के लिए भी अलग सुविधाएं हैं, बालिकाओं के लिए अलग सुविधाएं हैं। इस प्रकार सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण जहाँ शौचालय हैं वहाँ स्तर तीन में विद्यालय आते हैं। अब हमारे 12 टॉपिक पूरे हो गए हैं। सभी के स्नैपशॉट लेकर आप डोमेन एक को पूरा कर लीजिएगा। डोमेन टू आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो टीचर नए हैं, जो स्कूल नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो इस चैनल पर नए हैं उन से निवेदन रहेगा कि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के लिए जहाँ चैनल चल रहा है उसके नीचे चैनल का नाम और आगे सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर में, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन शो हो रहा है, उसको क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और इस वीडियो को, क्योंकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो शेयर करना न भूलें और लाइक कर दें।